पंडित जी ने बोला था कि 10 बजे के बाद पूर्णिमा चलेगी, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था घर के दिन में। जब मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो वहाँ पे ऐसा एक मान्यता है कि हम लोग जब तक राखी नहीं बांधवा लेते तब तक हम लोग कुछ खाते नहीं। तो मैं चला गया और उसके बाद सोचा मैं आऊँ, लेकिन इतनी बारिश तेज हो रही थी। फिर पंडित जी ने बोला ये नहीं है, 8 बजे से चढ़ेगा पूर्णिमा। तो यहाँ तक काफ़ी लोगों ने 11 तारीख को राखी बांधा था, मैंने उसको पोस्टपोन किया और मैंने फिर सोच लिया कि चलो कल मतलब 12 तारीख को आज मैं राखी बांधूँगा। पूजा के लिए भी मैंने मंदिर को धो दिया और ये रात में कल मनाने वाला था मैं, अचानक इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, कोई पंडित जी कुछ बोल रहे, कोई पंडित जी कुछ बोल रहे, पीछे से ठीक नहीं हुआ। और तो मैंने बाद में रात को इसीलिए डिसाइड किया कि मैं अपने यहाँ क्या खाली पेट हम लोग मनाते हैं, तो जब तक राखी नहीं बांधती बहन तब तक हम लोग कुछ मुंह में खाते नहीं। और पंडित लोग बोले 8 बजे से आ रहा है, 9 बजे से आ रहा है। फिर मैंने भी बोला यार सुबह 7 बजे के पहले है ना, 7 बजे के पहले अब तो उठ ही जाता हूँ, ऑफिस जाना ही होता है। हाँ तो राखी बनवा लूंगा। कितना टाइम हो रहा है? 6:45 के आसपास। हाँ तो बस है तो मेरी बेटी ऐसे ही मेरी चाचा की लड़की थी तो राखी बांधती थी और सब रसगुल्ला खा जाती थी। दुनिया भी यही सोच रही है नहीं पक्का, मन में तो थोड़ा सा आ रहा होगा, थोड़ा सा कल मिठाई खाई है भर भर। अरे इसको पैसा तो धीरे धीरे खाना खा लिए, खाना नहीं खा रही थी लेकिन मिठाई जाके ऐसे चोरों की तरह खा रही। जैसे मैं पहुंची इसकी आंखें ऐसे टेढ़ी चोटी। अरे इसका वो तो कर दो यार कुछ पैसा तो दो। हाँ दे रही, ठीक से बांधना धागा अच्छे से। हाँ गुड, रुको दे रही हूँ पैसे। ये भी खिला दे बाकी उठाई दे। वो देख रही है कम हो जाएगा। नहीं रुको ला रही हूँ। बहन तो यार रहती नहीं है तो राखी मेरी लड़की ने मान दिया तो अभी राखी वगैरह ये हाथ में हो गया। अब टाइम भी होने लगा ऑफिस जाने का। देखो आज देखती हूँ टाइम, जैसे यहाँ बारिश के हिसाब से मार्केट नहीं जाना था ना, मैक्सिस जाना था। मैक्सिस क्या कर रहे हो? मैं क्या अभी वो जो एक दो वहाँ पे वो 3D 9D वाला है ना वो करा के लाते हैं। नोनी के लिए स्टार वगैरह जाओगे ना? अच्छा वहाँ देख लूँ। हाँ तो वहाँ देख लेना, वहाँ पे प्लेन टी शर्ट सी नहीं होगा तो इसका तो हमें पता ही है ना, वो तो ले ही लेंगे। चलो सैटरडे को लेट से आराम से रिलैक्स होते जाते हैं तो छुट्टी लगता है। सैटरडे को भी शाम को छुट्टी लगता है क्योंकि संडे को भी लेट से उठना होता है, लेकिन संडे को मुझे छुट्टी नहीं क्योंकि मुझे लगता है ये ऑफिस तो जाना ही है। तो संडे में कभी ऐसा नहीं लगता कि छुट्टी है, मैं रिलैक्स के लिए करता। छुट्टी का मतलब कि आपको लगे कि आप रिलैक्स हो, मतलब फ्री माइंडेड हो, ऐसा नहीं लगता। दिमाग में हमेशा चलता रहा कल तो सुबह 7 बजे उठती थी तो जल्दी। अरे क्या हाल है? बढ़िया, बारिश आ रही है जा रही है। बारिश रुक चुकी है, जब मैं सुबह उठा था तो बारिश बहुत तेज हो रही थी तो मैंने फिर भी रेनकोट पहन लिया क्योंकि फिर रास्ते में रुक के और रेनकोट पहनना मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती है। अभी रेनकोट पहन लिया।
लिफ्ट बढ़िया है भाई, इसी में जाऊंगा, देखते रहो ना भाई। अपने पहुंच गए घर, छठे माले पे तो मैं आया था लिफ्ट से, लेकिन सातवें माले में वो मैं वहां से सीढ़ी चढ़ गया। जिम से घर आ गया हूँ, अच्छा एक्सरसाइज किया, अच्छा हुआ। कल नहीं गया था, वाइफ को बोला वो नहीं गई, तो मेरे को जाना ही था। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि रेगुलर करूँ, लेकिन वीक में 5 दिन हो रहा है वो मुझे जम नहीं रहा, मेरे को डेली जाना है। देखते हैं। अरे वाह, आज तो क्या जींस। अरे यार मैं ना ये अपने लड़के का वो बेटे का, चलो ये आवी का, ये जो है ना अभी का आर्मी ट्रैक है, पैंट है ट्रैक थोड़े ना यार, पैंट है आर्मी। हाँ भाई, आर्मी पैंट है, मैंने यही उसी का पहन लिया, क्योंकि वो बोल रहा है मेरे में होता नहीं, छोटा हो रहा है वो, मेरे से थोड़ा हाइट में लंबा हो गया। तो हम हो गए तैयार जाने के लिए, अभी का बर्थडे है तो आज डिसाइड किया था बाहर, क्योंकि नोनी को ज्यादा इच्छा होती है बाहर जाके खाना खाने का, होटल में रेस्टोरेंट में। तो अभी हम चल रहे हैं, और मेरा ब्रदर इन लॉ भी आया हुआ है, वो राखी पे आया है, तो सारे लोग हम लोग जा रहे हैं। अरे अब मैं ना ये अपने लड़के का वो बेटे है। का चलो बेटे का, मैंने बेटे का ये जो है ना आर्मी ये पैंट है, ये ट्रैक थोड़े ना यार, पैंट है आर्मी वाला पैंट है, मैंने यही उसी का पहन लिया, क्योंकि वो बोल रहा है मेरे में होता नहीं, ये छोटा हो रहा है वो, मेरे से थोड़ा हाइट में लंबा हो गया। तो अभी मैंने वही पहन लिया, क्यों मैं निकाला तो सामने दिखा, तो मैंने कहा शायद वो चेक किया रहेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने वही पहन लिया। तो चलते हैं, लड़की भी मेरी तैयार होगी, मतलब बेटी भी तैयार होगी। अरे चलो भाई तुम तो उठो, मतलब टाइम लग रहा है, मतलब पता है 8:30 हो रहे हैं। डिनर के लिए सब लोग का मूड बन चुका है। ये मेरा ब्रदर लॉ भी आ गया है। हेलो। तो राखी पे आया था, तो इसका वो बोला कि अभी छुट्टी लेके आया था, तो बोला था कि मेरे जो भांजे का बर्थडे भी है, तो उसके बाद अपने मतलब बहुत से बोला कि उसके बाद ही मैं आऊँगा ऑफिस में, तो उस हिसाब से फिर वो रुक गया। और तो आज जा रहे हैं रेस्टोरेंट, और फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं, अभी उसमें कन्फ्यूजन है, कोई और नाम बता रहा है। अब देखते हैं कौन से रेस्टोरेंट में हम पहुँच जाते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं रेस्टोरेंट के लिए, अभी डिसाइड कर रहे हैं, वाइफ बोल रही है कि परिवार जाना है, उनको क्या पता परिवार क्या है। अरे परिवार पता हो चाहे नहीं, परिवार रेस्टोरेंट अलग है और डैफोडिल अलग है, और डैफोडिल में भी जा चुके हैं, परिवार में भी जा चुके हैं। परिवार में चूंकि हम लोग बहुत पहले गए हैं, तो वो बोल रही है कि एक बार नया जाके आते हैं, और मैं कह रहा था कि अब मेरे को लग रहा है कि डैफोडिल ठीक है, बाकी देखते हैं अभी। तो अभी और बताइए,
मेरा फोन है ना। हाँ फोन देख लो भाई, ले लिए ना उधर साइड रखा हुआ था एक फोन। हमने फोन लिया आपने अपना? मेरा फोन है तुम्हारा। अब हम आ गए घर, खा पी के एंजॉय किया हमने। लेकिन आज ओवर कुक नहीं किया, ऐसा लग रहा है। गिरा ही है कहाँ पे? फोन गिरा होता है यार। उन्हीं की हाथ से? मेरे हाथ से नहीं। हाँ फोन तो मेरे हाथ में था। अरे छोड़ भी मत बोलो। वैस उन्हीं के, अरे उन्हीं के। हमने वीडियो को एंड नहीं किया है, फिर कल सुबह बोलेंगे कि अरे मैं करना भूल गया, आप ऐसे ही डाल दो, अच्छा नहीं लगता ऐसे आप बोलो। भाई देखिए मैं आया, कपड़े उपड़े चेंज किया, मैं थक गया था तो सबसे पहले कपड़ा मैं भूल भी जाता हूँ एंड करना, क्योंकि नेचुरली मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, तो मैं करता हूँ ये वीडियो एंड यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी कपड़े चेंज कर चुका हूँ, 10 बज रहा है। हाँ मैं पूरा सोने के मूड में हूँ, क्योंकि सुबह सोम को जाना भी है, तो फिर सुबह 7 बजे, क्योंकि मैं सोचा था कि सैटरडे है तो थोड़ा सा आराम से करेंगे, लेकिन चूंकि सोम को सुबह 7 बजे निकलना है तो फिर 6 बजे उठना ही पड़ेगा, उसको स्टेशन छोड़ना पड़ेगा, तो टाइम वैसे ही है, इसलिए हम चाहते हैं जल्दी आराम से सोएं, थक भी गए हैं, तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद, बाय।